देखिए दोस्तों, आज की मार्केट वही उम्मीदों के मुताबिक ही रही है, आप लोगों ने देखा है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि उस दिन शर्मा जी ने बोला था कि भैया जब हमने ऐसा वोट दिया है तो फिर कैसे होगा, चेंज होगा, जाहिर सी बात है। बट फिर भी क्या है कि देखिए, मैं शर्मा जी को या किसी को नहीं बोलना चाहूंगा, वो तो हमारे बेचारे भाई हैं, परिवार का हिस्सा है। लेकिन एक बात ये मान करके चलिए कि जब आप कई सारे इलेक्शंस को, इसी को बोलते कई सारे इलेक्शन जब आपने आंखों के आगे देखा है ना, तो आपको पता चल जाता है कि यस, आने वाले समय में ये होने वाला, किसी के भी आपको उसकी जरूरत नहीं है। एक तजुर्बेकार आदमी तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि यार, चाहे सत्ता के लोग हों, चाहे सटोरिए हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, इनकी कहां पे फट रही हो पक्का पता लग जाएगा। देखो, और रही बात के एकाध शब्द जो ऐसे होते हैं, उनको अमर्यादित शब्दों को आपको मानने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं मानने की जरूरत है कि तकरीबन हमारे इसमें जो है ना, कोई ये तो है नहीं कि माइनर तो कोई है नहीं, सारे सारे एडल्ट लोग हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमें यूज करना इसलिए पड़ जाता है कि आज की सोसाइटी जो है ना, वहां पर हम मतलब ऐसा नहीं है, मर्यादित शब्दों से भी चल सकते हैं, बट फिर भी जो है वहां पर क्या होता है ना कि जैसे एक अलंकृत शब्द होता है। अलंकृत शब्द क्या होता है कि आज के टाइम पर वहां पर जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा, उनका भी कहीं ना कहीं हालत उनकी भी पतली है, ठीक है ना। हालत इसलिए पतली है क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ है यहां पर। सत्ता में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, मलाई कौन काटेगा, कौन नहीं काटेगा, जो भी सत्ता में आएगा वो मलाई काटेगा, लेकिन हमने तो अपने खून पसीने की कमाई लगाई हुई है दोस्तों, तो इसलिए चिंता की बात स्वाभाविक है। अब रही बात किसी को वो डर आज दो दिन से लग रहा है, हमने उस डर को आज के चार दिन के पहले आपको अवगत करा दिया था। आज बड़े बड़े थिंक टैंक वही चार सीनरियों ला करके पीट रहे हैं, वो हमने आपको चार दिन पहले जो बता दिया था, यस ये समीकरण बन सकते हैं। आज देखिए हर कोई वही चिल्ला रहा है जो मैंने आज के चार दिन पहले आपको बता दिया था। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि जब आप उम्र के पड़ाव पर पहुंचते हैं और आके पॉजिटिव एंगल से उस चीज को देखते हैं, तो मेरा पॉजिटिव एंगल क्या है, मेरा पॉजिटिव एंगल यही है कि मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को ये चीज कैसे बताऊं कि भाई आने वाले समय पर ये होने वाला है। आज देखिए मार्केट थोड़ी सी अप होती नहीं, जम करके प्रॉफिट बुकिंग चल रही है या नहीं चल रही है। और 31 तक सबसे पहला आपका जुगानी टॉक्स मंच है जिसने आपको बताया होगा। चार सिनेरियो वाली बात किसने आपको बताया था, जुगानी टॉक्स ही मंच है जो कि सबसे पहले डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब इस पर आ जाते हैं दूसरी चीज। चलिए ठीक है, मार्केट पर अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको ऑलरेडी हम इसको बता चुके हैं कि 4 तारीख तक की हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। अब दूसरी बीच जो था कि आप सब्जेक्ट को देख रहे हैं, सब्जेक्ट में क्या है, सफेद पोस्ट फ्रॉडुलेंट। सफेद पोस्ट फ्रॉडुलेंट क्या है कि मैं आपको इसको कैसे समझाऊं दोस्तों, कि जब ये सुनने में आता है ना इनके साथ इतने का फ्रॉड हो गया, तो एक्चुअली मेरे को बहुत गुस्सा आती है, लेकिन क्या है हम यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए। को आ कैसे जाती है, देखो मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर वहां पर नहीं फंसने चाहिए, मेरा मेन एम यही है। कम खाओ गम खाओ, ये मेरी नानी जी बोलती थी, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि बचपन में मैं आए दिन ननिहाल में था, अपने मामा के यहाँ था मैं, मेरा बचपन वहां बीता था। तो एक तो मुझे लाड और जो है दुलार बहुत मिलता था वहां पर। तीन मामा मेरे थे, मौसियां मेरी चार थी, फिर मामाओं के लड़के थे, मौसियों के लड़के थे, सब आते जाते थे, कंबाइन परिवार था, जमींदारी परिवार था हमारा। मामखोर जो है शुक्ला है, सबसे नंबर वन ब्राह्मण परिवार के मामखोर शुक्ला आते हैं। वो अब वो समझते नहीं थे, लेकिन मतलब जो है इस टाइप से हमारा वो था। तो वहां पे मैं बड़ा लाडला था, मेरी माँ सबकी छोटी थी, तो आए दिन मैं मारपीट करके आ जाता था, घर में छोटा था। और तो मेरी नानी जो है ना मुझे मारती नहीं थी, और मेरी मामी भी उस समय बोलते थे कि मारने से बहने को, भांजे को मारने से, जो ना हमारे यहाँ पर भांजे को अपना बहने बोलते हैं, उनको मारने से हाथ कपता है, तो कोई मारता भी नहीं था। बट मेरी बड़ी मामी मेरा कान पकड़ करके उमेट देती थी, ठीक है ना। तो नानी मेरी उस समय समझाती थी कम खाओ गम खाओ। तो भी वो आज बात यहाँ पर कैसे लागू हो रही मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लोग क्या होते हैं ना, जब लालच में आ जाते हैं, तो अभी क्या होता है कि कैसे लोग लालच में आ जाते हैं। मान लिया आपने किसी को सुना, तो उसने बोला मैं ये कोर्स, फलाना कोर्स मेरा, ये ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसी टाइप के फ्रॉडुलेंट। दो भाई साहब आपका जो संदीप महेश्वरी जी के साथ उनका हुआ था, विवाद हुआ था, तो अभी देखिए वो भी क्या कर रहे थे, बड्डा बिजनेस कर रहे थे,
बट बिजनेस के नाम पर लोग कर रहे, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। ऐसे ही आपके भाई साहब ये क्या नाम है उत्तराखंड से जो अपना पकड़े गए थे, देहरादून से उत्तराखंड से हमारे पकड़े गए थे वो, ठीक है। और भी कई सारे ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप नंबर ले लो, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, मेरा ये कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पर क्या होता है, बंदा एक तो वहां पर फंस जाता है, उसके बाद में जैसे वहां पर उनके उन जालों में फंसने के बाद में उसने कोर्स किया, ये किया, वो किया, सब्जबाग, मेन बात क्या होता है, जो सब्जबाग आदमी को दिख जाता है ना, तो सब्जबाग में आदमी हकीकत को समझ ही नहीं पाता है। फिर वहां पर क्या हो जाता है, वो एक टाइप का क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब हिप्नोटाइज उस टाइप की भावना करके वो अपनी पूरी लागत लगा देता है। अब उसके बाद में क्या होता है, आप देखो लाखों में हो तो भी चल जाए, अब भाई जिसके पास नहीं है उसके लिए लाखों ही बहुत है, जिसके पास थोड़ा और उसके लिए 10 लाख बहुत है, जिसके पास और थोड़ा उसके लिए करोड़ों बहुत है। तो लोग वहां पर उसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में और ज्यादा कमाई के चक्कर में फिर उनके चक्कर में आकर के उसको क्या करते हैं, वहां पर लगा देते हैं। तो भैया मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर बंदा आपका जवारी नहीं है, जवारी मीन्स, जवारी हमारे यहाँ का अवधि वर्ड है, जवारी मीन्स जो आपके वहां का एरिया का नहीं है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते हो, पकड़ करके उसको पीट नहीं सकते हो, उसकी वहां पर दुकान नहीं है, उसकी वहां पर बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं क्योंकि मैं, मेरे को गुस्सा आना स्वाभाविक है अगर आप इस प्रकार से किसी को, देखो भाई सीधी सी बात है कि अगर आपको अपनी मेहनत से, मेरा जो मानना है ना, अगर आपको अपनी मेहनत से, मेहनत की कमाई से आपका पेट नहीं भर रहा है ना, तो इस टाइप के लोगों का कभी, मतलब मैं तो नहीं समझता कि इस टाइप के लोगों का पेट भरे, क्योंकि दूसरे की जेब काटना ना, एक्चुअली जो हमने देखा है अपने किशोरावस्था में, अपनी जवानी के दिनों में, अभी तो जवानी थोड़ा सा क्या है कि मतलब अभी भी अपने आप को तो यंग में मानता ही हूँ, ऐसा नहीं है 50 साल का हुआ हूँ यार, 50 साल का भी अगले साल होऊंगा तो, लेकिन क्या है कि अगर आदमी अपने मेहनत से, अपने खून पसीने से अगर उसने कमा करके नहीं किया ना, तो फिर क्या यार दूसरे की जेब काट करके क्या मिलेगा, बताओ। तो बड़ा जो है बड़ा दुख हुआ, मैं बोला इस पर लोगों को क्यों ना अवेयर करा जाए, और ये अवेयर जो है टैक्स का काम ही है, ये आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को अवेयर करना तभी लोग अवेयर होंगे। अवेयर मीन्स मतलब किसी भी किसी टाइप के उसमें आप ना अटके, जो आपको आमने सामने बता रहा है, फ्री ऑफ कास्ट बता रहा है, एक तो उसके ऊपर सबसे पहले तो उसके ऊपर आप भरोसा करो, फ्री ऑफ कास्ट जो बता रहा है, एडवाइस दे रहा है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, आपका यही मंच जो आमने सामने मैं बिल्कुल आंख में आंख डाल करके बात कर रहा हूँ, वो मतलब जो है मैं ही, और ऐसा भी नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ मैं ही हूँ, कई सारे लोग ऐसे होंगे आप अगर करोगे तो, ऐसे भी लोग हैं, पहली बात तो ये। दूसरी चीज क्या है कि आप जो है समय जरूर दें किसी भी इन्वेस्टमेंट को, आप अपने समय जरूर दें, मेरी इस बात को ध्यान रखें, समय जरूर दें और कंपाउंडिंग का लाभ लें, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें, समय जरूर दें और उसकी उसको कंपाउंडिंग करने दें, ठीक है ना, बाकी जो है टैक्स आपको डे बाई डे समझा ही रहा है, तो आपको कोई माइकलाल फ्रॉड कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि आप अपना जो फोन का सेफ्टी जो आपका बताया जाता है, टाइम टू टाइम एडवाइजरी आती है, आप अपने फोन की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, आप अपने ओटीपी वगैरह की, आप अपने उसको संभाल करके रखें, तो आप समझिए कि सेफ एंड सिक्योर है। अगर आप इन सारी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान लेते हैं ना, तो काफी हद तक आप बच जाएंगे। अब नहीं तो क्या होता है यार, हमारे यहाँ अवधि में कहावत है, हथोक तरके जाए भैया लतोक तरके जाए, मतलब जो हाथ के नीचे भी जाता है पैर के नीचे भी जाता है, तो भाई कहाँ रहता है आदमी, सीधे त्रिशंकु बन जाता है। अब बहुत लोगों को, नए लड़कों को, अगर मान लिया नए लड़के नहीं होंगे मेरे ख्याल से, तो जो है त्रिशंकु का आपको पता ही है, तो जो है त्रिशंकु नहीं बनना है मेरे भाई, अपना जो कम से कम बोलते हैं ना, जो अपनी जो तड़ी तापड़ी, आज मैं खूब जम करके जो अवधि वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, अपनी जो तड़ी तापड़ी है ना उसको बचा करके रखो सबसे पहली चीज ये, और उसके बाद में उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करो नंबर दो, और नंबर तीन क्या करो आप, उसको कंपाउंडिंग का अब लेने दो, उसको समय दो, उसको ग्रो होने दो, ठीक है ना। पेड़ आपने नहीं लगाए होंगे, मैंने पेड़ लगाए हैं, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे हाथ का लगाया हुआ आंवला, मेरे हाथ के लगाए हुए आम, न जाने कहाँ कहाँ के लोग, मेरी माता जी न जाने कितना बांटती है, कहाँ कहाँ पे जाता है, निस्वार्थ भाव से लगाया हुआ, तो उस पेड़ को जिस प्रकार से हमने किया हो, तो हमने देखा हुआ है उसको सिंचित होते हुए, जबकि मैंने लगा दिया था। पेड़ को सींचा किसने, हमारे पिताजी ने सींचा। उस पेड़ को सींचा किसने, हमारे
घर में उन्होंने तीन पीढ़ी से उन्होंने काम किया, मेरे बाबा जी के टाइम पर काम किया, पिताजी के टाइम पर काम किया, हमारे टाइम पर काम किया, बहुत मानते थे, हमारे परिवार के सदस्य थे हमारे गामा चाचा। उन्होंने रोज उस पेड़ में पानी डाला, तो हक किसका है उसमें? मेरे गामा चाचा का पुण्य प्रताप है, मैंने तो ला करके खरीद करके कहीं से लगा दिया था। ऐसा लोगों का मानना था कि मैं जो पेड़ रख देता हूँ वो पेड़ जो है लग जाता है, तो ऐसा मेरे भाइयों का, मेरे माँ का, मेरे पिताजी का आज भी मानना है। तो अब तो समय थोड़ा सा कम है, घर भी नहीं जा पाते हैं। चलिए ठीक है, ये कोई पर्सनल टॉक नहीं है, बट फिर भी आप इस टाइप के फ्रॉडुलेंट लोगों से, जो कि सफेद फ्रॉडुलेंट, मैं उनको नाम दे सकता हूं, इस टाइप से आप उसको सफेद पोस लो, अगर ऐसा करते हैं ना, तो आई थिंक कि मैं उनकी क्या बोलते हैं उसको, जितनी हो जाए उतनी निंदा करना कम, उतनी मैं उनकी निंदा करता हूं। ठीक है, और बाकी देखते हैं, अभी सवेरे मिलते हैं चाय की चर्चा पर, किसी ना किसी टॉपिक पर। बट सफेद पोस्ट प्रॉब्लम लोगों से, इस टाइप के लोगों से पक्का बचें, और फेयर लोगों का साथ करें। और जुआई टॉक्स के साथ जुड़ने के लिए, जुआई टॉक्स का व्यूअर, जो नए व्यूअर्स आते हैं हमारे परिवार में, उनको आप सब्सक्राइब करें, 0.1 सेकंड लगता है, एंड परिवार का हिस्सा बने, और बड़ा अच्छा मंच है, और काफी सारी एडवाइस, काफी सारे वीडियोस से आपको दिए जाते हैं डेली बाय डेली। थैंक यू वेरी मच।